प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशीवासियों से देश को आत्मनिर्भरता की राह दिखाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभ्यता, संस्कृति और अध्यात्म की नगरी काशी ने सभी के उत्थान और उन्नति का मार्ग दिखाया है। आज समय है कि काशी देश के सामने आत्मनिर्भरता का मॉडल प्रस्तुत करे। समृद्ध भविष्य के लिए आत्मनिर्भरता होना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आत्मसात करते हुए काशीवासियों से इस दीपावली केवल स्थानीय उत्पादों की खरीद करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वाराणसी का यह प्रयास पूरे देश के लिए नजीर बनेगा, सभी इससे प्रेरणा लेंगे और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी को करीब 6.25 अरब रुपए के विकास परियोजनाओं का उपहार दे रहे थे। वर्चुअली आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने 220 करोड़ की लागत से तैयार 16 परियोजनाओं को लोकार्पित किया, साथ ही 394 करोड़ रुपए की 14 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कहा कि काशी कभी रुकती नहीं, कभी थकती नहीं, माँ गंगा की तरह निर्मल और अविरल है, यहाँ का कण-कण पावन है, काशी की हर बात निराली है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयासों की प्रशंसा करते हुए सांसद के रूप में धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी टीम जन सेवा के लिए एक निष्ठ है। हमारी काशी में विकास की अविरल धारा बह रही है। चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, किसानों की संपन्नता, कनेक्टिविटी, नगरीय विकास सहित सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। खिड़कियां घाट का पुनर्विकास एवं सुधार, दशाश्वमेघ घाट पर टूरिस्ट प्लाजा का निर्माण जैसे प्रयास काशी को सुंदर बनाएंगे, या वाटरवे भी सक्रिय है। पीएम मोदी ने कहा कि बनारस की पहचान यहाँ की गलियां और घाट है। जिस तरह नियोजित ढंग से काम हो रहा है, इससे एक सुंदर काशी की छवि बन रही है। ये काशी पूरी दुनिया को और भी अधिक आकर्षित करेगी। बनारसी लहजे में दीपावली, छठ भैया दूज की बधाई। वर्चुअल माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से मुखातिब पीएम मोदी ने बनारसी लहजे में सभी को आगामी दीपावली, भैया दूज, अन्नकूट और डाला छठ पर्व की बधाई दी। मोदी ने ठेठ बनारसी लहजे में सभी की कुशल क्षेम की जानी और हर हर महादेव का उद्घोष भी किया। पुरातन और आधुनिकता का संगम है काशी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा आज जनपद वाराणसी की 30 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की पुरातन पहचान को सुरक्षित रखते हुए आधुनिकता के समावेश के साथ विकास के लिए हम सभी कृत संकल्पित हैं। उनकी भावना के अनुरूप केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा यहाँ की सांस्कृतिक परम्परा को संजोते तथा पौराणिकता को संरक्षित करते हुए किया जा रहा है। ये परियोजनाएं वाराणसी को और समृद्ध करेंगी। बेनिया बाग पार्क का पुनर्विकास एवं सुधार, आधुनिक सर्विलांस सिस्टम की स्थापना, खिड़किया घाट का पुनर्विकास एवं सुधार, दशाश्वमेघ घाट पर टूरिस्ट प्लाजा का निर्माण, पुरानी काशी जंगमबाड़ी वार्ड का पुनर्विकास, चौकाघाट स्थित पद्म विभूषण गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल परिसर में बहुउद्देशीय हाल का उच्चीकरण तथा सड़क निर्माण जैसे कार्य काशी को और अधिक सुविधा संपन्न बनाएंगे। काशी वासियों से संवाद पर निहाल हुए मोदी। दिवाली, भैया दूज, छठ और अन्नकूट पर्व के मौके पर बनारस को विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए पीएम मोदी ने 3 स्थानीय नागरिकों से संवाद भी किया। प्रतिष्ठित बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रशांति सिंह ने पीएम मोदी को बताया कि हाल के वर्षों में खेल सुविधाओं में जैसा विकास हुआ है, उसका वर्षों से इंतजार था। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरणादायी मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में अब तक लगभग 9,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण वाराणसी जनपद के लिए किया है, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, पर्यटन, कृषि एवं ऊर्जा सहित सभी क्षेत्रों में कार्य हुआ है। इससे काशी का नया स्वरूप इसकी गरिमा और महत्ता के अनुसार निखर कर आने लगा है। इस कड़ी में आज इन 30 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने से काशी के विकास में एक और अध्याय जुड़ गया है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर पर अपना स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लखनऊ में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण के मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, ऊर्जा मंत्री श्रीमान श्रीकांत शर्मा जी, जल शक्ति मंत्री
डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, काशी से जुड़े हुए प्रदेश सरकार के नगर विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकूद, पशुधन और पंचायती राज के मंत्रीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, मैं प्रदेश सरकार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दीपावली के पूर्व काशी वासियों को दी जाने वाली सौगात के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। काशी की पुरातन काया को एक नए कलेवर के साथ वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए पिछले 6 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो भी विकास की योजनाएं अलग अलग क्षेत्रों में वहां पर प्रारंभ हुई, आज उसने काशी को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई है। मेरी काशी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भावनात्मक संबोधन ने न केवल काशीवासियों को अपितु प्रदेश और देशवासियों को एक नया अपनत्व का भाव दिया है। वैश्विक महामारी के दौरान पूरे देश को जो योग्य मार्गदर्शन और प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी, अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तमाम व्यस्तताओं के बावजूद काशीवासियों के साथ निरंतर संवाद के माध्यम से जो एक संबल समय समय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रदान करते रहे, आज उसका परिणाम है कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भी काशी ने और प्रदेश ने विकास की इस यात्रा को कहीं भी थमने नहीं दिया है, रुकने नहीं दिया है। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विगत 6 वर्षों के दौरान काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 8,442,65,00,000 रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्य संपन्न किया है। 614 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम काशीवासियों को देने जा रहे हैं। 200 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन चूंकि यहां पर विधान परिषद की कुछ सीटों के लिए चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण उन परियोजनाओं का इस समय लोकार्पण नहीं हो पा रहा है। 8,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं वर्तमान में काशी के विकास को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र और प्रदेश सरकार की परियोजनाएं काशी में चल रही हैं, जो आगामी कुछ महीनों के अंदर पूरी होने जा रही हैं। यानी अब तक काशी के लिए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी के विकास के लिए दिया है, और ये कहा जा सकता है कि आज़ादी के बाद का काशी के लिए भौतिक विकास की इतनी परियोजनाएं जिन्होंने काशी को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत किया है। काशी विश्वनाथ धाम आज जिस रूप में आगे आ रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक वैभव को वैश्विक मंच पर किस रूप में हमें प्रस्तुत करना चाहिए, उसका एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत होने जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से दीपावली के ठीक पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने तमाम व्यस्तताओं के बावजूद काशी के विकास के प्रति जो अपना मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए आज समय एक बार फिर से हमें प्रदान किया है, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए आज के इस अवसर पर एक बार फिर से काशी के विकास की लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़ी हुई 600 करोड़ रुपये से अधिक की इन परियोजनाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से काशीवासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब इस अवसर पर काशी की विभिन्न परियोजनाओं पर बनी एक वीडियो फिल्म के प्रस्तुतिकरण हेतु अनुरोध करूंगा। काशी निरंतर विकास पथ पर अग्रसर है। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और संकल्प से काशी में विकासोन्मुख परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है।
118 करोड़ 20 लाख की लागत से IETS योजना के दूसरे चरण में 7 रूट पर 11 केवी लाइन, एलटी लाइन एवं सर्विस लाइनों को भूमिगत करने का कार्य एवं स्मार्ट प्रकाश व्यवस्था के कार्य 23 करोड़ की लागत से गंगा एक्शन प्लान के तहत एसटीपी एवं पंपिंग स्टेशन के पुनरुद्धार का कार्य 19 करोड़ 8 लाख की लागत एवं लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर 9 करोड़ की लागत से 2 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज का निर्माण भी संपन्न। 8 करोड़ 76 लाख की लागत से डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के आवासीय परिसर चिंची रूम पार्किंग स्थल के नवीनीकरण के कार्य एवं 7 करोड़ 89 लाख की लागत से 105 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण, 7 करोड़ 88 लाख की लागत से सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो का निर्माण, रामनगर के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का उच्चीकरण पूर्ण किया जा चुका है, 6 करोड़ 26 लाख की लागत से 102 गौ आश्रय केंद्र का निर्माण, 4 करोड़ 58 लाख की लागत से 250 से अधिक आबादी वाले 16 गांवों की सड़कों का नव निर्माण, 3 करोड़ 25 लाख की लागत से सर्किट हाउस के सभागार का सुदृढ़ीकरण, 1 करोड़ 99 लाख की लागत से केंद्रीय कारागार की बाउंड्री वॉल का निर्माण, नगरेश्वरी भवानी मंदिर में पर्यटन विकास के निमित्त 1 करोड़ 67 लाख की लागत से बाउंड्री वॉल एवं गेट निर्माण, 80 लाख की लागत से जनसा में बहुउद्देशीय बीज भंडार और तकनीकी डिसेमिनेशन सेंटर का निर्माण हो, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं शासन के सतत अनुश्रवण से सभी परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित कराई जा रही है। काशी के विकास को गति देने वाली जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है उन पर एक नजर। स्मार्ट सिटी वाराणसी में 128 करोड़ 4 लाख की लागत से उन्नत सर्वेलांस प्रणाली की निर्माण योजना, 126 करोड़ 25 लाख की लागत से बेनियाबाद में पार्किंग बहुउद्देशीय पार्कों का नई योजना, 2 करोड़ 94 लाख की लागत से सेवापुरी में 11 गांव की सड़कों की नव निर्माण योजना। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। अत्यंत विनम्रता पूर्वक अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वो बटन दबाकर सभी परियोजनाओं का डिजिटल लोकार्पण व शिलान्यास करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार जिले के 3 नागरिकों से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सीधे संवाद किया जाएगा। सर्वप्रथम मैं संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम सिगड़ा में सुशी प्रशांति सिंह, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल की खिलाड़ी हैं तथा अर्जुन पुरस्कार एवं पद्मश्री से भी सम्मानित हैं, को संवाद हेतु आमंत्रित करता हूँ। इस समय तो आप लोग दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे। मैं पहले तो दिवाली की आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। क्या बनारस में भी दिवाली का माहौल बन चुका है कि अभी भी आप लोग खेल कूद में व्यस्त है? खेल कूद में व्यस्त हम दिवाली की मॉर्निंग तक ही रहते हैं, सुबह तक ही हम लोग खेल कूद में व्यस्त रहते हैं, वो हमारा काम है, वो कभी नहीं रुकता। और दिवाली की शाम भी हमारे ग्राउंड पे जरूर होती है, आधे घंटे के लिए सारे प्लेयर इकट्ठा होते हैं, ग्राउंड पे जरूर सेलिब्रेट करते हैं दिवाली। प्रशांत जी, आप तो बास्केटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही है, कई बड़े अवार्ड जीत करके अपने बनारस का नाम भी बढ़ाया है। अभी बनारस के स्टेडियमों में क्या खेल कुछ चल रहा है कि कोरोना के साथ क्या खाली है, सारे कौन से खेलों पर जरा ज्यादा बल दिया जा रहा है, क्या माहौल है खेल कुछ का? पहले बंद हुआ था, पर अभी जो रेगुलर प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज ऑन हो चुकी हैं। और कोरोना काल का इन्होंने अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठाया कि जो मेरे पीछे जो ये भवन है चेंजिंग रूम, इसको तैयार कर दिया। वो बहुत अच्छी चीज हुई कि जब हम कुछ दिन के लिए घर बैठे तो इन्होंने हमारा ध्यान रखा,
और ये चेंजिंग रूम जो बन गया है, पहले इसी सीढ़ियों पे हम लोग लंच और टिफिन करते थे घर से ला करके, क्योंकि अपना कुछ रूम ही नहीं थे। तो ये हो गया और 56 बेड वाला एक हॉस्टल बन गया। तो एक सुविधा हो गई कि जो धर्मशालाओं में रुकवाना पड़ता था और अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हम लोग जब पूर्वांचल से और काशी से कहीं बाहर खेलने जाते थे तो हमें तो अच्छी सुविधा मिलती थी, पर हमारे यहाँ कोई आता था तो इट इज वो बहुत एम्बेसिंग होता था। तो अब राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं के लिए हम तैयार हैं और मुझे ऐसी आशा है कि हम जल्दी ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए भी तैयार हो जाएं। चलिए, आपके बहुत लंबे अरसे की जो रिक्वायरमेंट थी, और कभी कभी स्टेडियम तो बन जाते हैं लेकिन खिलाड़ियों के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए उसकी प्रायोरिटी इतना पीछे हो जाती है। मैं कभी कभी कहता हूं कि आपत को हमें अवसर में परखना चाहिए। काशीवासियों ने आपत के समय को एक अवसर में पलटा और ये चेंजिंग रूम, आवासीय भवन ये सब बना दिया, और मुझे विश्वास है कि इससे खिलाड़ियों को तो बहुत लाभ होगा ही होगा, और एक प्रकार से ईज ऑफ स्पोर्टिंग इसका एक अवसर बनाएगा। इसका लाभ अभी क्या लगता है आपके खेल जगत के साथियों में, इसकी चर्चा हो रही है? जी बिल्कुल चर्चा हो रही है, और एक ऐसा हम लोग एक ऐसी हम लोग की सोच है और ऐसा हम लोग सोच रहे हैं कि सारे देश में आपकी एक बड़ी मतलब एक बड़ी परियोजना जो है कि खेलो इंडिया, उसके तहत जो NCOE खुल रही है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल रहा है, तो एक बनारस में भी जरूर खुल जाए, क्योंकि सारे देश में खुल रहा है तो काशी क्यों पीछे रह भाई। तो हमारे पास ये खुल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो हम अभी राज्य स्तर के लिए तैयार हो चुके हैं, तो हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लिए भी तैयार हो जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है और ऐसा मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट भी है। चलिए, आपने मांग ही लिया की आवश्यकताएं सरकारी बाहू बैठकर के जो योजना करे उससे ज्यादा जब स्पोर्ट्स से जुड़े हुए खिलाड़ी कोचेज ये जो सुझाव देते हैं उससे जो चीजें बनती हैं वो सच्चे अर्थ में काम आती है। और आपने देखा होगा कि मैं लगातार खेल जगत से जुड़े लोगों से उनके अनुभव सुनता रहता हूं, उनकी जानकारियां लेता रहता हूं और फिर उनको कहीं कहीं ढालने की कोशिश भी करता हूं। लेकिन आपने जो सुझाव दिया है इस पर जरूर शासन में विचार करेगा और खेल जगत में बनारस हर प्रकार से प्रगति करे, बनारस की युवा पीढ़ी के जो है इनके अंदर खेल, और जब खेल होता है स्पोर्ट्स होता है तो स्पोर्ट्स में स्पिरिट भी होता है और उस स्पिरिट जो है वो बहुत बड़ी ताकत होता है। चलिए प्रशांति जी, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं और आने वाले त्योहारों की आपको, आपके परिवार को और खेल जगत के सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगले क्रम में मैं काल भैरव वार्ड में स्थित श्रीमती नीलमा मेहता जो गृहिणी है और इन्हें मेहंदी लगाने, नृत्य संगीत और डांडिया का शौक है को संवाद हेतु अनुरोध करता हूं। अगले क्रम में मैं चांदपुर महेशपुर इंडस्ट्रियल एरिया में श्री विपुल कुमार अग्रवाल जो वाराणसी के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं तथा कृषि संबंधी सामग्री का निर्माण करते हैं को संवाद हेतु आमंत्रित करता हूं। और इस कारण बायर्स भी हमारे यहाँ आते हैं, परंतु हमारी उस समय स्थिति ऐसी हो जाती है, मनुष्य जैसी हो जाती है कि वो सुंदरता भी घेरता है, प्रसन्नता व्यक्त करता है, परंतु जब वो पैर की ओर देखता है तो वो उदास हो जाता है। तो इस कारण जो हमारी सर्वोच्च स्थिति थी और हमारी एसोसिएशन के माध्यम से आप प्रशासन को और उस समय वर्तमान सरकारों को बताते थे, परंतु बहुत ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण से सारी गुणवत्ता के बावजूद हम लोग अपने बायर्स को बुलाने में यहाँ पर डरते थे कि वो हमारी जो स्थिति है वहां से वाकिफ होंगे और फिर वो हमारे लिए उचित स्थिति नहीं रही। परंतु जब वर्तमान सरकार आई, उनके संज्ञान में डाला गया, अधिकारियों ने सहयोग किया, तो 10,83,00,000 रुपया हमें सेंक्शन हुए हैं और उसके साथ साथ ही कार्य भी शुरू हो गया है।
मैं कार्यस्थल से भी बोल रहा हूँ और अभी सड़क भी आप देख रहे होंगे कि सड़क पहले से टूटी फूटी थी, अब कार्य शुरू हो गया है। आपने औद्योगिक राजधानी जबलपुर के चारों तरफ यहाँ मरवाती रेलवे स्टेशन मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर आपने नवीनीकरण कराया, प्रमुख रेल गाड़ियों को यहाँ से संचालन कराया और लहरतारा ओवर ब्रिज से लेकर के और चौका घाट तक, जो कि हमारे औद्योगिक राजधानी के लिए कई गाड़ियां ट्रक्स वगैरह नहीं आ पाते थे, वहां कराया। मरवाटी जो रेलवे स्टेशन ओवर ब्रिज पर जो कार्यक्रम हुआ है तो सुधा और उद्यमियों को हो गई है, इस कारण हम उद्यमी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विपिन जी, जी भाई, ये बात तो आपने कहा कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, करना भी चाहिए और अब तक नहीं हुआ, उसका कारण जो नुकसान हुआ है वो भी हम समझ सकते हैं। लेकिन मैं स्वयं ऐसे छोटे छोटे औद्योगिक आयोजनों में कई बार जा चुका हूं, मेरे मन में हमेशा एक शिकायत है, जो औद्योगिक इकाई होती है उसके अंदर जो माली या मैनेजर बैठते हैं उसकी चैंबर तो बहुत बढ़िया होती है, लेकिन बाकी वहां देखिए अपने जो कारीगर काम करते हैं उनके खाने के लिए जगह, उनके टॉयलेट और मान लीजिए 25-30 छोटी छोटी इंडस्ट्री है तो बाहर की सफाई थोड़ी उसकी रौनक, इसके प्रति एक संगठित प्रयास करके कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता है, क्योंकि अभी भी अमानत है। बाहर के लोग जब आते हैं जो अंदर प्रवेश करते हैं और वो एनवायरमेंट देखते हैं तो बड़ा ही मन को क्षोभ होता है। अब मैं मानता हूं कि आप लोगों ने, क्योंकि आप तो बड़े जागरूक नागरिक हैं, आपने इस प्रकार से चिंताएं भी की है, एक परिसर की पूरी यानी एक प्रकार का ऐसा एनवायरमेंट, यानी आपके कारीगर को भी घर जाने का मन न करे, उनको नौकरी तो देने में 6 बज गए तो जाना है, लेकिन ऐसा करो आधा पौना घंटा बैठते हैं, जरा यहाँ वहां अच्छा माहौल है, ये स्थिति हमारी बनती नहीं है। ये मुझे लगता है कि ऐसे छोटे छोटे एसोसिएशन ने कुछ लोग सोचना चाहिए। देखिए दिवाली और त्योहार को लेकर जरा तो व्यापार उद्योग में भी लोगों का ध्यान गया होगा, कोरोना का भय भी काफी मात्रा में कम हुआ है, सजगता तो बनाए रखनी पड़ेगी, लेकिन क्या लॉकडाउन के बाद में कुछ सुधार की दिशा में क्या लग रहा है काशी में? गली तो बड़ी साफ सुथरी आती रही और आती है कि हमेशा कहती है सर ये आपकी देन है, पहले मेरी क्या देन है? नहीं ये मार्ग स्मार्ट ये साफ सुथरा तो नागरिकों की मदद के बिना संभव ही नहीं होता है। अगर ये साफ सुथरा दिख रहा है इतना, ऐसा लगता है वही बैठ कर खाना भी खा सकते हैं, इतना काशी की गली इतनी साफ सुथरी हो, ये देख कर इतना मन को आनंद हो रहा है ये, क्योंकि यही काशी के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय है। काशी लोग देखने आते हैं, काशी से प्रेरणा लेते हैं और जब काशी के एक एक गली एक कण को लोग पवित्र मानते हैं और आपने जिस प्रकार से रौनक बनाई है, मैं तो आपके इस इलाके के सभी लोगों को बधाई देता हूं। और दिवाली के काम वहां पर तो जो मेरा एक प्रयास रहा है रोशनी का, लाइट पहुंचाने का, क्या आप गलियों तक पहुंचा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये स्मार्ट सिटी के अंदर तक ही आ गया है, ये ड्रिंक है, वाटर सप्लाई है, सीवर लाइन है और ये चौके जो बिछे हैं वो और पेंटिंग का काम, ये सारे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शुरू हो चुके हैं। और मेडिकल उसका प्रभाव क्या है, जब शाम को ये नई रोशनी वगैरह होती है शाम को लगता है कि एकदम मजा आ गया, मस्ती आ गई, ऐसा फील होता है। और जो पानी की बहुत समस्या थी स्पेशली कि मतलब जो गली है उसमें बहुत दिक्कत है, हालांकि मेरे मोहल्ले में भी पहुंची थी, लेकिन ये स्मार्ट सिटी के अंदर जो कार्य हुए हैं वो समझ लीजिए दी बेस्ट, मजा आ गया। पानी तो मतलब बहुत ही सुंदर, और ये सीवी लाइन जो बार बार हर टाइम चौक हो जाते थे, फिलिंग वो ऊपर आती थी, गंदगियां ऊपर आती थी, वो सबसे निजात मिला है। और ये जो चौके बिछे हैं वो एक तो बनारस गलियों का शहर है ठीक, फिर उसके बाद यहाँ चूहे, ये मतलब
काम पूरा करते हैं। तो ये जो चौके बिछे हुए हैं वे पूरे सरमेंटेड होने के बाद इसमें चौका बिछे हैं, जो कि मतलब देखने में आप देख ही रहे हैं कि ये हो चुके हैं काम, इतने सुंदर है। मन तो ऐसा करता है घर के करने के बाद निकल के झाड़ू खुद लगा रहे, ऐसा हो रहा बहुत बढ़िया बताया आपने। चलिए, मेरी काशीवासियों के साथ आज मुझे बातचीत करने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सर धन्यवाद, मुझे भी कहना है कि आपके मार्गदर्शन से और ये प्रोजेक्ट पे जो टीम वर्क काम कर रही और मेरे सभासद के बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके वजह से मतलब एटलीस्ट वो मेरे मोहल्ले में आते थे तो मेरी परेशानी, मतलब मेरी पर्टिकुलर नहीं, मेरे मोहल्लों की जो लोगों की परेशानी थी एटलीस्ट वो सुनते थे और उस पर एक ही दो दिन में वो तुरंत वर्क करते। इसलिए मैं काशीवासी की तरफ से, पूरे वार्ड पंचासी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद और पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ। मैं अत्यंत आदरपूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना आशीर्वचन देने की कृपा करें। अभी आप सभी साथियों से मुझे बात करने का मौका मिला, क्या मुझे अच्छा लगा और शहर में विकास के जो काम हो रहे हैं, जो निर्णय सरकार ने लिए हैं, उनका लाभ बनारस के लोगों को भी हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है तो इसके पीछे बाबा विश्वनाथ का ही आशीर्वाद है। और इसलिए जब मैं आज भले वर्चुअली यहां आया हूं, लेकिन जो हमारे काशी की परंपरा है उस परंपरा को निभाए बिना न हम आगे जा सकते हैं। और इसलिए अभी जो भी मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, हम सभी एक साथ बोलेंगे धनतेरस, दीपावली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और डाला छटकर आप सब लोगों के बहुत बधाई हो। आपका अन्नपूर्णा आप सबके धन धान्य से समृद्ध करें। हमारी कामना हो कि बाजार में रौनक और बढ़े, मेरी काशी की गलियां गुलजार हो और बनारसी साड़ियों का कारोबार भी चमके। कोरोना से लड़ते हुए भी हमारा किसान भाई खेती पर खूब ध्यान दे, बनारस ही नहीं पूरे पूर्वांचल में यह बार अग्रणी फसल अच्छी हो इनकी खबर मित्र हो। किसान का परिश्रम स्वतः के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के काम आ गया। आप अन्य देवता लोगन का बहुत अभिनंदन हो। कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, बनारस के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधिगण, बनारस के मेरे प्यारे भाई और बहनों, महादेव के आशीर्वाद से काशी कभी थमती नहीं। मां गंगा की तरह निरंतर आगे बढ़ती रहती है। कोरोना के कठिन काल में भी काशी अपने इसी स्वरूप में आगे बढ़ती रही। कोरोना के खिलाफ बनारस ने जिस जीवंतता से लड़ाई लड़ी है, इस मुश्किल समय में जिस सामाजिक एकजुटता का परिचय दिया है,
वो सचमुच में बहुत ही प्रशंसनीय है। अब आज इसी कड़ी में बनारस के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। वैसे ये भी महादेव का आशीर्वाद ही है, जब भी काशी के लिए कुछ नए कार्यों की शुरुआत होती है, पुराने कई संकल्प सिद्ध हो चुके होते हैं। यानी एक तरफ शिलान्यास तो दूसरी तरफ लोकार्पण। आज भी लगभग 220 करोड़ रुपए की 16 योजनाओं के लोकार्पण के साथ साथ करीब 400 करोड़ रुपए की 14 योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। मैं सभी विकास कार्यों के लिए बनारस के लोगों को बहुत बधाई देता हूं। काशी में, उत्तर प्रदेश में बिना रुके बिना थके चल रहे इन विकास कार्यों का श्रेय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी पूरी टीम को, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, सरकारी मशीनरी से जुड़े हुए सभी मुलाजिम को, इन सबको इस सफलता के लिए पूरा का पूरा श्रेय जाता है। योगी जी और उनकी टीम को जन सेवा के इस एक निष्प्रयासों के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, बनारस में शहर में देहात के इस विकास योजना में पर्यटन भी हो, संस्कृति भी और सड़क बिजली पानी भी, हरदम प्रयास यही होगा कि आपन काशी के हर शख्स के भावनाओं के अनुरूप ही विकास का पहिया आगे बढ़े। इसलिए ये विकास आज अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि बनारस कैसे एक साथ हर क्षेत्र में हर दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मां गंगा की स्वच्छता से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पर्यटन तक, बिजली से लेकर युवाओं के लिए खेलकूद तक और किसान से लेकर गांव गरीब तक, हर क्षेत्र में बनारस विकास की नई गति प्राप्त किए हुए है। आज गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के रिनोवेशन का काम पूरा हो चुका है। साथ ही शाही नाला से अतिरिक्त सीवेज गंगा में गिरने से रोकने के लिए डायवर्जन लाइन का शिलान्यास भी कर दिया गया है। 35 करोड़ से अधिक की लागत से खिड़किया घाट को भी सजाया संवारा जा रहा है। यहां सीएनजी से नाव भी चलेगी, जिससे गंगा में प्रदूषण भी कम होगा। इसी तरह दशाश्वमेध घाट पर टूरिस्ट प्लाजा भी आने वाले दिनों में पर्यटकों की सुविधा और आकर्षण का केंद्र बनेगा। इससे घाट की सुंदरता भी बढ़ेगी, व्यवस्था भी बढ़ेगी। जो स्थानीय छोटे छोटे व्यापार ये प्लाजा बनने से उनकी भी सुविधा और ग्राहक बढ़ेंगे,
साथियों, मां गंगा को लेकर ये प्रयास, ये प्रतिबद्धता काशी का संकल्प भी है और काशी के लिए नई संभावनाओं का रास्ता भी यही है। धीरे धीरे यहां के घाटों की तस्वीर बदल रही है। कोरोना का प्रभाव कम होने पर जब पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी तो वो बनारस की और सुंदर छवि लेकर यहां से जाएंगे। गंगा घाटों की स्वच्छता और सुंदरीकरण के साथ साथ सारनाथ भी नए रंग रूप में निखर रहा है। आज जिस लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का लोकार्पण किया गया है उससे सारनाथ की भव्यता और अधिक बढ़ जाएगी। भाई और बहनों, काशी की एक बड़ी समस्या यहां लटकते हुए बिजली के तारों के जाल की रही है। आज काशी का बड़ा क्षेत्र बिजली के तारों के जाल से भी मुक्त हो रहा है। तारों को अंडरग्राउंड करने का एक और चरण आज पूरा हो चुका है। कैंट स्टेशन से लहुरावीर, भोजूवीर से महावीर मंदिर, कचौरी चौराहा से भोजूवीर तिराहा, ऐसे 7 रूट पर भी बिजली के तारों से अब छुटकारा मिल गया है। इतना ही नहीं, स्मार्ट एलईडी लाइट से गलियों में रोशनी और सुंदरता भी फैलेगी। साथियों, बनारस की कनेक्टिविटी हमेशा से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। काशी वासियों का और काशी आने वाले हर पर्यटक, हर श्रद्धालु का समय सड़क जाम में न ग्रस्त हो, इसके लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। बनारस में आज एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ रही हैं। बाबरपुर से शहर को कनेक्ट करने वाली सड़क भी अब बनारस की नई पहचान बनी है। आज एयरपोर्ट पर 2 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, उसका लोकार्पण होने के बाद इन सुविधाओं को और विस्तार होगा। ये विस्तार इसके भी जरूरी है क्योंकि 6 वर्ष पहले आपने मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दिया, उसके पहले बनारस में हर दिन 12 फ्लाइट चलती थी। आज इससे 4 गुना यानी 48 फ्लाइट चलती है, 48 फ्लाइट्स। यानी बनारस में सुविधाएं बढ़ती देख बनारस आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। भाइयों बहनों, बनारस में तैयार हो रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहां रहने वाले और यहां आने वाले दोनों ही तरह के लोगों का जीवन आसान बना रहे हैं। एयरपोर्ट से जुड़ी कनेक्टिविटी के साथ साथ रिंग रोड हो, महमूदगंज मंडूवाड़ी फ्लाई ओवर हो, NH-56 का चौड़ीकरण हो, बनारस आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कायाकल्प होते देख रहा है। शहर के भीतर और आसपास के इलाकों में भी सड़कों की तस्वीर बदली है। आज भी
वाराणसी के अलग अलग क्षेत्रों के लिए सड़क निर्माण कार्यों का काम शुरू हुआ है। नेशनल हाईवे फुलवरिया लहरतारा मार्ग, वरुणा नदी और पीन पुल और कई सड़कों का निर्माण, ऐसे कितने ही काम है जो आने वाले समय में बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। रोडवेज के इस नेटवर्क के साथ साथ बनारस अब वाटरवेज की कनेक्टिविटी में भी एक मॉडल बन रहा है। हमारे बनारस में आज देश का पहला इनलैंड वाटर पोर्ट बन चुका है। भाइयों बहनों, बीते 6 सालों से बनारस में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अभूतपूर्व काम हुआ है और मैं कह सकता हूं अभूतपूर्व काम हुआ है। आज काशी यूपी ही नहीं बल्कि एक तरह से पूरे पूर्वांचल के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का हब बनता जा रहा है। आज रामनगर में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के मॉडर्नाइजेशन से जुड़े कामों के लोकार्पण से काशी की इस भूमिका का विस्तार हुआ है। रामनगर के अस्पताल में अब मैकेनाइज लॉन्ड्री व्यवस्थित रजिस्ट्रेशन काउंटर और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। भूमि भाभा कैंसर हॉस्पिटल और पंडित महामना मालवीय कैंसर हॉस्पिटल जैसे बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट यहां पहले से ही सेवाएं दे रहे हैं। इसी तरह ईएसआईसी अस्पताल और बीएचयू सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की भी यहां गरीब से गरीब साथियों को, गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। साथियों, बनारस में आज जो ये चौतरफा विकास हो रहा है, हर सेक्टर में विकास हो रहा है, उसका पूर्वांचल सहित पूरे पूर्वी भारत को लाभ हो रहा है। अब पूर्वांचल के लोगों को छोटी छोटी जरूरतों के लिए दिल्ली और मुंबई के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। बनारस और पूर्वांचल के किसानों के लिए तो स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्ट तक की अनेक सुविधाएं बीते सालों में यहां तैयार की गई है। इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट का सेंटर हो, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट हो, पेरिशेबल कार्गो सेंटर का निर्माण हो, ऐसी अनेक सुविधाओं से यहां के किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि इस साल पहली बार वाराणसी क्षेत्र से फल सब्जी और धान को विदेश के लिए निर्यात किया गया है। किसानों के लिए बनी स्टोरेज सुविधाओं को विस्तार देखते हुए आज कब से फिट है 100 मेट्रिक टन स्टोरेज क्षमता वाले गोदाम का लोकार्पण भी किया गया है। इसके अलावा जनसा में भी मल्टी पर्पज बीज गोदाम और डिसेमिनेशन सेंटर बनाया गया है। भाइयों बहनों, गांव गरीब और किसान आत्मनिर्भर भारत अभियान के सबसे बड़े स्तंभ भी है और सबसे बड़े लाभार्थी भी है। हाल में जो कृषि सुधार हुए उनसे किसानों को सीधा लाभ होने वाला है। बाजार से उनकी सीधी कनेक्टिविटी सुनिश्चित होने वाली है। किसानों के नाम पर किसानों की मेहनत को हड़प जाने वाले बिचौलियों और दलालों को अब सिस्टम से बाहर किया जा रहा है। इसका सीधा लाभ उत्तर प्रदेश के, पूर्वांचल के, बनारस के हर किसान को होने वाला है।
साथियों, किसान की तरह ही रेहड़ी पटरी ठेला चलाने वाले साथियों के लिए भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के जरिए रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों को आसान लोन मिल रहा है। कोरोना के कारण इनको जो दिक्कतें आई वो दूर हो सके, उनका काम फिर से शुरू हो सके, इसके लिए उन्हें 10,000 रुपये की लोन सहायता दी जा रही है। इसी तरह गांव में रहने वाले लोगों को गांव की जमीन, गांव के घर का कानूनी अधिकार देने के स्वामित्व योजना शुरू की गई। गांवों में घर मकान को लेकर जो विवाद होते, कभी कभी तो मारकाट हो जाते, कभी अगर गांव से शादी ब्याह में गए वापस आते थे तो कोई और बैठ सकता है, कब्जा कर लेता। इन सारी समस्याओं से मुक्ति के लिए ये स्वामित्व योजना से, इस योजना से मिले प्रॉपर्टी कार्ड के बाद इस प्रकार की मुसीबतों की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। अब गांव के घर या जमीन पर ये प्रॉपर्टी कार्ड आपके पास होने के कारण बैंक से ऋण मिलना भी आसान हो जाएगा। साथ ही जमीन पर अवैध कब्जेदारी का खेल भी खत्म हो जाएगा। पूर्वांचल को, बनारस को इन योजनाओं को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, काश्यां भी काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशित, अर्थात काशी को काशी भी प्रकाशित करती है और काशी सभी को प्रकाशित करती। इसलिए आज विकास का जो प्रकाश फैल रहा है, जो बदलाव हो रहा है, ये सब काशी और काशीवासियों के आशीर्वाद का ही परिणाम है। काशी के आशीर्वाद से ही साक्षात महादेव का आशीर्वाद है और जब महादेव का आशीर्वाद है तो बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। मुझे विश्वास है कि काशी के आशीर्वाद से विकास की ये गंगा ऐसे ही कल कल करती रहेगी, अविरल बहती रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया बीज की हार्दिक बधाई। और मेरा आपसे एक आग्रह और भी है, आजकल आप देख रहे हैं लोकल के लिए वोकल, वोकल फॉर लोकल, इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली, इसके मंत्र को, इसकी गूंज चारों तरफ सुनाई देने लगी। मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी मेरा कहना है, लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें, खूब प्रचार करें। हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा, लोकल की चर्चा करेगा, लोकल प्रोडक्ट का गौरव करेगा, नए नए लोगों तक ये बात पहुंचाएगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने शानदार है, किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएंगी। इससे स्थानीय पहचान तो मजबूत होगी ही, जो लोग इन सामानों को बनाते हैं उनकी दिवाली भी और रोशन हो जाएगी।
इसलिए मैं देशवासियों को दिवाली की पूर्व बार बार आग्रह करता हूं कि हम लोकतंत्र के लिए आग्रही बने, हर कोई वोकल बने लोकल के लिए, दिवाली बनाए लोकल के साथ। आप देखिए पूरी अर्थव्यवस्था में एक नई चेतना आ जाएगी, नई जान आ जाएगी। वो चीजें जिसमें मेरे देशवासी के पसीने की महक हो, जो चीजें मेरे देश के नौजवानों की बुद्धि शक्ति का परिचय, वो चीजें जो मेरे देश के अनेक परिवारों को नए उमंग और उत्साह के साथ नए संकल्प लेकर के अपने कार्य का विस्तार करने की ताकत देती है, उन सब के लिए एक हिंदुस्तानी के नाते मेरे देशवासियों के प्रति मेरा कर्तव्य बनता है। मेरे देश की हर चीज के लिए मेरा कमिटमेंट बनता है। आइए इसी भावना के लोकल के लिए वोकल बने, दिवाली लोकल से मनाए, और सिर्फ दिए नहीं बटा, तो लोगों को तो लगता है लोकल मतलब दिया ले लो, नहीं होता है। हर चीज कोई ऐसी चीज हो जो बिल्कुल हमारे देश में बनना संभव ही नहीं है, जरूर बाहर से लेना पड़ेगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपके घर में बाहर से कोई चीज पहले लाई हुई है उसको पैक तो करना है, बाहर से नहीं है। मैं इतना ही चाहता, मेरे देश के लोग जो पसीना बहा रहे हैं, मेरे देश के नौजवान जो अपने बुद्धि शक्ति सामर्थ्य से कुछ न कुछ नए करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी उंगली पकड़ना हम सबका दायित्व बनता है, उनका हाथ पकड़ना हम सबका दायित्व बनता है, उनकी चीजें लेते हैं उनका हौसला बुलंद हो जाता है। आप देखिए देखते ही देखते विश्वास से भरा हुआ एक नया पूरा वर्ग तैयार हो जाएगा, जो हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक नई शक्ति के रूप में जुड़ जाएगा। और इसलिए मैं आज फिर से एक बार मेरे काशी वासियों से जब बात कर रहा हूं, तब दिवाली की शुभकामनाओं के साथ साथ काशी से जब मैंने मांगा, जो मांगा काशी ने जी भर करके मुझे दिया है, खुले मन से दिया है। लेकिन मैंने मेरे लिए न कभी मांगा है न मुझे कुछ जरूरत रहे ऐसा आपने कुछ बाकी नहीं रखा, लेकिन मैं काशी के हर प्रोडक्ट के लिए, काशी में निर्माण होने वाली हर चीज के लिए गीत गाता हूं, गौरव करता हूं, घर घर बात पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मेरे देश के हर चीज को ये मौका मिले यही मेरा आग्रह है। फिर एक बार मैं काशी वासियों को नमन करते हुए काशी विश्वनाथ जी के चरणों में सर झुकाते हुए, काल भैरव को नमन करते हुए, माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करते हुए आप सबको आने वाले सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने अपने अत्यंत प्रेरणादायी आशीर्वचन से हमारा मार्गदर्शन किया तथा इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देकर काशीवासियों सहित सभी का उत्साह वर्धन किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले समस्त महानुभावों, काशीवासियों व आयोजन में सहायक सभी जनों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद।